इस तरह की वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर जल्दी नहीं मिलेगी, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मन्मथ रस के बारे में। बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, छोटी कंपनियां भी बनाती हैं और बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस कंपनी का अच्छा लगे आप उस कंपनी का ले सकते हो, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वैद्यनाथ का है। दोस्तों डिटेल में इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, किन किन बीमारियों में काम करता है, इसकी डोज कितनी है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर जल्दी नहीं मिलेगी, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताता है और इतना एक्सप्लेन आपको कोई नहीं करेगा। तो वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मन्मथ रस है क्या। मन्मथ रस टैबलेट फॉर्म में आता है, ये गोली होती है, वैद्यनाथ और कई कंपनियों द्वारा बनाई जाती है, और इसका जो मेन रोल होता है वो मर्दों के लिए किया जाता है। इसका जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो मर्दों के लिए किया जाता है। मर्दानगी की कमी कह लीजिए अगर मर्दों को है, शारीरिक दुर्बलता है अगर, नसों की कमजोरी है, वीर्य की कमजोरी है, इस तरह की सभी बीमारियों में ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें कुछ हैवी मेटल्स होती हैं जैसे पारा होता है, लोभसम होती है, जिनकी वजह से इनको बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। लेने को बहुत सारे लोग इसको बिना डॉक्टर के परामर्श के भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको किसी तरह की किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की सर्जरी हुई है, या आपकी कोई औषधि अलग से चल रही है एलोपैथिक या आयुर्वेदिक, तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना लीजिए, नहीं तो आपको ये कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके साथ आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, आपके मसल्स में ताकत आती है, और इसके साथ ही साथ आपकी यौन शक्ति और यौन इच्छा में वृद्धि होती है। जिन लोगों की यौन शक्ति कम हो जाती है उनके अंदर यौन इच्छा भी कम हो जाती है। लिंग में तनाव आने के बावजूद भी उनको जो है संभोग में मन नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके मन को ऐसी गतिविधियों में लगाने के लिए जिनमें कि आपकी अरुचि हो जाती है, उसमें ये बहुत सहायक है। इसके अलावा दोस्तों जो वीर्य की समस्याएं होती हैं, जैसे कि वीर्य का पतलापन, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, या फिर वीर्य का बहुत कम मात्रा में बनना, या फिर मोर्टेलिटी रेट, आपके वीर्य के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो बहुत कम हो जाना, तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये वीर्य की सभी प्रकार के विकारों को दूर करता है, आपके वीर्य की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि जब वो संभोग करते हैं तो उसके अगले दिन सुबह उनके सर में दर्द रहने लग जाता है, और वो सर का दर्द उनको सुबह से लेकर के अगले दिन सुबह तक होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मन्मथ रस को लिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दोस्तों इसको लेना बहुत ही आसान है, अलग अलग तरह के जो डॉक्टर हैं वो आपको इसकी डोजेज अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक रूटीन डोज इसकी बता रहा हूँ। सुबह और शाम एक एक गोली आप इसकी जो है सादे दूध के साथ चीनी डाल के, चाहे गाय का दूध हो या फिर भैंस का दूध हो, आप इसकी एक एक गोली दूध के साथ, हल्के गुनगुने दूध के साथ लीजिए। कभी भी इसको ठंडे जल या फिर ठंडे दूध के साथ आपने नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। प्राइस की बात दोस्तों मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हर कंपनी का प्राइस जो है वो अलग है, फिर बाद में कमेंट आने लग जाते हैं कि आपने इतना प्राइस बोला था और ये हमें इतने की मिली, इसलिए मैं प्राइस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियोस लंबी चलती हैं, कई सालों तक पड़ी रहेंगी और इसका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इस वजह से प्राइस की बात हम लोग नहीं करते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आपको हमारे चैनल पर और आयुर्वेद से रिलेटेड और भी औषधियों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसके साथ ही अलविदा लेते हैं दोस्तों, और एक नई वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।